प्यारे दोस्तों, माँ बाप के पांच अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे का बाइस बन सकते हों? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप के पांच ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुँह में ले जाते हैं, और वो पांच काम ये हैं। एक दफ़ा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज करने लगी कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी दो ही औलाद हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी, और दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वो अमल उन्हें नफ़ा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करें और सेहत याब भी हो जाएं? मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते, मेरा बेटा शराब पीता है और दीगर गुनाह भी करता है, वो दोनों दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फरमा बरदार बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के पाँच ऐसे गुनाह जिनकी सजा औलाद को भी मिलती है, वो पांच अमल ये हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलों की वजह से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती हैं। उस खातून ने पूछा, वो पांच अमल कौन से हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो पांच काम ये हैं। नंबर एक, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन इसकी सजा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती हैं। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमान के लिए हिदायत का सबब है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौत हो जाए। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुकद्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंगदस्त हो जाती हैं। नंबर दो, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गाली दी जाती है वहाँ शैतान डेरे डालते हैं, फरिश्ते नहीं, शैतान उनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आए, ऐसा घर तो वीरान ही होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती हैं, जैसा तर्ज वालिदैन का होगा औलाद भी वैसा ही होंगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते गालियां देते देखा, तो ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उनकी औलाद फरमा बरदार होगी? इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करे ताकि उनकी औलाद की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो, इस तरह आपकी औलाद नाफरमान और बेहया नहीं होंगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलाद को नेकी का दर्स दें। अपनी बेटियों को हजरत फातिमा
रजी अल्लाह तआला और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला के वाकयात बताएं और उनके तर्ज ज़िंदगी के मुतालिक बताया करें ताकि हमारी बेटियां बाहया और पर्दादार हों। नंबर 3, हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि माँ बाप के बेपर्दगी की वजह से उनकी औलाद पर बीमारियों का हमला होता है। हदीस सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा औरत पर वाजिब है जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नम वाजिब है। जिस घर में पर्दा बेहयाई व बेपर्दगी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वालों के लिए बददुआ करते हैं और शैतान ऐसे घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं। जहां बेपर्दा आम हो उस घर की औलाद बेहया नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती हैं। यही नहीं बल्कि परेशानियां और मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बन जाती हैं। ये उनके वालिदैन की बेपर्दा की वजह से होता है। जिस घर में बेहयाई होती है वहां अल्लाह की बरकत और रहमत नहीं होती। ऐसे में माँ बाप की औलाद फितनों और बलाओं से महफूज नहीं रह सकेंगी क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो कि इन फितनों को रोकते हैं वो तो इस घर से चले जाते हैं। ऐसे ही औलाद माँ बाप के नाफरमानी करती हैं और हमेशा परेशानी में मुब्तला रहती हैं। माँ बाप को चाहिए कि वो पर्दे का खास ख्याल रखें ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करें। आपने मुशाहिदा किया होगा कि आपके इर्द गिर्द जो माँ बाप पर्दे का ख्याल नहीं रखते तो उनकी बातें जुबान जदी आम होती हैं। अक्सर औरतें कहती हुई दिखाई देती हैं कि पर्दा दिल का होना चाहिए, तो ऐसी औरतों को अल्लाह के गजब से डरना चाहिए कि क्या उनका दिल हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के दिल से ज़्यादा पाक है। अगर उनके लिए पर्दे का हुक्म था तो आज की खवातीन अपने आप को किस जगह पर देखती हैं। अपनी बेटियों को हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के वाकयात बताएं। दोस्तों, ये यहूदियों की चाल है कि मुस्लिम मुआशरे में बेहयाई आम हो, लिहाजा इस दौर में जितना हो सके अपनी औलाद को सहाबे इकराम और अहले बैत की ज़िंदगियों के मुतालिक बताएं। नंबर 4, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो वालिदैन जो कि किसी दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते हैं उन्हें देखना चाहिए कि अगर वो दूसरों की औलाद के बारे में बुरा सोचेंगे तो उनकी औलाद भी इस बुरे अमल से बच ना पाएंगे। अल्लाह ताला उनकी औलाद के लिए बुरा करता है क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहमान है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। अगर तुम किसी की औलाद को परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नज़रिया तुम्हारी औलाद पर मुसल्लत फरमा देते हैं क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलाद के मुतालिक सोचते हो अल्लाह ताला वही नज़रिया दूसरों के जहन में तुम्हारी औलाद के मुतालिक बना देता है। इसीलिए दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो ताकि तुम्हारी इज्जतें भी महफूज रह सकें। नंबर 5, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फ़र्क नहीं करते, हराम वो नहीं कि हराम जानवर का गोश्त खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ खा लिया जाए, ये तो कतई हराम है। हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, किसी को धोखा देकर उसका हक खा लिया जाए या किसी गरीब मिस्कीन का हक खा लिया जाए तो ये भी हराम ही। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान बेहया और बीमारियों में मुब्तला हो जाती हैं। आजकल ये बीमारियां हमारे मुआशरे में आम हो गई हैं कि हराम खाने वाले इसे हलाल समझकर खा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।